जी रहमान नौशाद हमारा नाम है और हम सब में बड़े बेटे हैं नौशाद साहब के, जो म्यूजिक डायरेक्टर, जो बहुत ही माने हुए म्यूजिक संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, कंपोजर थे। हम आप लोग से मुखातिब होकर उनके बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, आप लोग से शेयर करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। 1937 में नौशाद साहब लखनऊ छोड़ के बॉम्बे आ गए अपने मुस्तकबिल तलाश करने के लिए, यानी फ्यूचर तलाश करने के लिए। उनके ख्वाब था कि एक म्यूज़िक कंपोज़र बने, लेकिन उनको इसका इल्म नहीं था कि यहाँ पे इतने धक्के खाने पड़ेंगे, इस शहर में इतने धक्के खाने पड़ेंगे, भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा। यहाँ तक के किसी से पहचान नहीं थी। एक डॉक्टर अलीम साहब थे, किसी ने खत दिया था, तो उन्होंने, वो कोलाबा में रहते थे, तो उनके पास पहुँचे एक दिन, कहा कि भाई रिकमेंड कर दिए किसी फिल्म वालों को, अगर आप जानते हो तो मुझे कुछ काम मिले। तो उन्होंने कहा बैठिए, कुछ खाया पिया कि नहीं, कहाँ रहते हैं? कहने लगे नहीं, मैं दोस्त के वहाँ रहता हूँ। कहने लगे मियाँ आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप मुझसे झूठ मत बोले, मैं प्रोफेसर हूँ, आपने कुछ खाया पिया नहीं, चने के छिलके आपके जेब में दिख रहे हैं, आप पहले खाइए पीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो नामी साहब ने उस वक्त जो नौशाद साहब का स्ट्रगल देखा कि वो पैदल दादर से कोलाबा, उस वक्त ट्राम चलते थे, तो ट्राम के ही पैसे नहीं हुआ करते थे, चने खाते हुए कोलाबा जाते थे और फिर नामी साहब से मिलते थे, रिपोर्ट करते थे। तो नामी साहब ने कहा भाई क्या हुआ, कुछ मिला आजकल, हमने इतने तुम्हारी सिफारिश की। कहने लगे जी हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो नामी साहब ने एक दिन, उस दिन कहा था, ये बहुत अच्छा वाक्य है, कि तुम डायरी लिखते हो? हमारे फादर अब्बा ने कहा जी जी, डायरी निकालो और लिखो। तो मैं कह रहा हूँ नामी, प्रोफेसर नामी, कि एक दिन तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे और मैं तुम्हें सलाम करने आऊँगा। और उन्हीं ने साइन करके दे दी, नौशाद साहब ने रख लिया। अच्छा, फिर ये वाक्य में हम बाद में आएंगे। इसके बाद स्ट्रगल पीरियड में ऐसा था कि वो सोने की जगह नहीं, तो दादर में ब्रॉडवे सिनेमा हुआ करता था। अब उसके बाद वहाँ जगजीवन राम शूटिंग में बन गया, वो टूट गया, तो ब्रॉडवे सिनेमा बहुत मशहूर था, उसके ऑपोजिट सामने फुटपाथ पे एक दुकान थी, उससे दोस्ती हो गई थी। तो वो दुकान बंद करता था, तो कहते थे कि भाई, वो कहता था कि यहाँ बिस्तर लगा के सो जाइए, तो कहते सो जाते थे। अब वो लाइट देखते थे थिएटर की, चकाचौंध लाइट जो चमक दमक देखते थे, वो सोचते थे कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसी रोशनी आएगी भी कि नहीं। बहरहाल, लेकिन उस वक्त की जब बरसात होती थी तो वो अपना बिस्तर एक बिल्डिंग थी उसकी सीढ़ी के नीचे खिसका लेते थे। और नौशाद साहब कहते थे कि ना मुझे पता था ना उस वक्त की एक बड़ी हीरोइन थी नीला चिटनिस, ना उनको पता था, वो हमारे सर के ऊपर से शूटिंग करके आते थे, खट खट जाके यानी चली जाती थी। बाद में उन्होंने दो तीन फिल्म में नौशाद साहब के साथ काम भी किया, फिल्मों में गंगा जमुना वगैरह। अच्छा, अब हम इसके बाद ये कर रहे हैं कि फुटपाथ पे तो सोते थे, लेकिन स्ट्रगल उन्हें नहीं छोड़ा। और उसके बाद हम ये वाक्या पूरा कर लें कि फिर एक इंकलाब आया उनके ज़िंदगी में, रेवोल्यूशन, कि वो थिएटर जो सामने था ब्रॉडवे सिनेमा, उसी में बैजू बोहरा फिल्म में उनकी डायमंड जुबली की, और वहाँ पे बड़ा अपने पार्टी वार्टी हुई, शो वो हो रहा था, पूरे हीरो हीरोइन सब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय भट्ट साहब थे, मीडिया था, जर्नलिस्ट थे। जब इंटरवल हुआ तो सब लोग ढूंढने लगे कि विजय भट्ट साहब बाहर आए, कहले अरे नौशाद साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बालकनी पे निकल के चुप्पे से आके सामने का फुटपाथ देख रहे थे, हाथ में आंसू थे। तो विजय भट्ट साहब बोले थे अरे नौशाद साहब अंदर चलिए। कहले अरे आप जाइए अपने हीरो हीरोइन के साथ फ़ोटो खिंचाइए, मुझे छोड़ दिए इतना। अरे क्या देख रहे हैं आप? कह रहे मैं सामने का फुटपाथ देख रहा हूँ। क्या वहाँ हुआ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कहने लगे आपको नज़र नहीं आएगा जो मुझे नज़र आ रहा है। कहने कुछ तो बोलिए। कहने लगे विजू भाई यूँ समझिए कि वो फुटपाथ से ये यहाँ तक क्रॉस करने में, इस मंदिर तक पहुँचने में मुझे 16 साल लगे। इस तरह तो ये जो वाक्य था, उसके बाद फिर उनके डी एन मधोक साहब ने उनको असिस्टेंट यानी रणजीत स्टूडियो में वो ऐसे पियानिस्ट काम मिला उनको। वहाँ डीन मधोक साहब उस वक्त के बड़े राइटर, लिरिक्स राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और स्टोरी राइटर हुआ करते थे, उनके धाक थी बहुत। तो उन्होंने नोट किया कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, और उस वक्त के फिर उन्होंने असिस्ट किया तीन म्यूजिक डायरेक्टर को,
एक उस्ताद झंडे खां साहब थे जो बहुत ही सूफियाना मिजाज के थे, बहुत प्यार करते थे। फिर उसके बाद एक मुश्ताक हुसैन साहब थे, उनको असिस्ट किया। उसके बाद फिर खेमचंद प्रकाश जी मशहूर उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर थे, नौशाद साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे और वो भी बहुत चाहते थे। बहरहाल जब भी फिल्में ख़त्म हो गई तो नौशाद साहब जॉबलेस हो गए, असिस्टेंट रहे नहीं। तो डी एन मधोक साहब ने कहा, उन्हीं ने परख लिया था कि लड़के में टैलेंट बहुत है। तो उन्होंने कहा, वो पीर जी बोलते थे कि पीर जी घबरा मत, शाम को मेरे साथ चलो। तो वो लेके गए, प्रोड्यूसर थे उस वक्त के, एक बड़े प्रोड्यूसर थे, और उनसे कहा कि देखो, वो जो देख के खड़ा हो गया कि डी एन मधोक साहब आए, तो कहने लगे देखो मैं तुम्हारी फिल्म ही करूँगा, तुम शुरू करने जा रहे हो ना। कहने जी है, आप अच्छे वक्त आए। कहने मैं फिल्म करूँगा, स्टोरी भी लिखूँगा, डायलॉग भी लिखूँगा और गाने भी लिखूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहने जी, कहने कि लड़के को म्यूज़िक का चांस देना। उसने तो पहले कह दिया हाँ, लेकिन फिर कोने में जाके कहने लगे कि मधोक साहब दो तीन, ये बहुत कमसिन लड़का है, दो तीन फिल्मों में इसको असिस्टेंट रखे, फिर मैं इंडिपेंडेंट चांस दे दूंगा। तो मधोक साहब बहुत तेवर वाले थे, बिगड़ गए। कहने लगे सेठ, मैं जोरी हूँ, मैं परखना जानता हूँ, मेरे स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग गानों के सब पैसे गिरवी रखो, नुकसान होगा तो एक पैसा मत देना, लेकिन इसको चांस दो पहला। तो इस तरह से उनको पहला ब्रेक दिया भवनानी प्रोडक्शन ने, भवनानी सेठ ने। फिल्म का नाम था प्रेम नगर, यहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। जो सिटी ऑफ लव लिखते थे ब्रैकेट में, एंड हिज करियर स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड एंडेड ताजमहल, द मॉन्यूमेंट ऑफ लव, अकबर खान साहब के ताजमहल। लेकिन इसके बाद जो है, फिर उन्हीं ने फिर प्रकाश पिक्चर में मधोक साहब लेके गए। प्रकाश पिक्चर में उन्होंने दो तीन फिल्में की, और जिसमें 42 में एक फिल्म आई थी स्टेशन मास्टर, तो पहली फिल्म थी नौशाद साहब की जो जुबली हुई। मधोक साहब ने नौशाद साहब के साथ 8 फिल्मों में गाने लिखे। उसके बाद मधोक साहब लेके गए कारदात प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे फिल्म पहली जो थी नई दुनिया बन रही थी, तो कारदात साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो सुरैया को नौशाद साहब ने स्टूल पे खड़े होकर गाना गवाया, बूट करूँ मैं पॉलिश बाबू, बूट करूँ मैं पॉलिश, इतनी छोटी थी कि माइक तक नहीं पहुँचती थी। उसके बाद सिंगिंग स्टार बनाने में नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है सुरैया जी का। अब कारदार प्रोडक्शन में फिर एग्रीमेंट हुआ, तो नौशाद साहब ने करीब 18 फिल्में की कारदार प्रोडक्शन की, जिसमें 16 जो थी बिग म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हिट थी, दुल्हारी, दास्तान, दिल लगी, सुहानी रात ढल चुकी, तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, और शाहजहाँ। नौशाद साहब एक वाहिद म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने सब सिंगरों को गवाया। यानी करण दीवान, उस वक्त का ये रिवाज था कि जो हीरो हीरोइन और हीरोइन होते थे उनसे खुद गवाते थे नौशाद साहब, यानी म्यूजिक कंपोजर। तो सैगल साहब उस वक्त के बड़े सिंगिंग स्टार थे, तो फिल्म शाहजहाँ थी। तो उसमें एक वाक्य ये, उसमें एक खास बात ये कि मजरू सुल्तानपुरी और कुमार बारा बंकी को नौशाद साहब के अंडर में ब्रेक मिला। कारदार साहब ने कहा इन दोनों को मुशायरे में सुना, कह रहे इनको ब्रेक दो। तो मजरू साहब का गाने तो बहुत मशहूर हुए, जब दिल टूट गया और गम दिए मुस्तकिल, और कुमार साहब का है दिले बेकरार झूम वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर लाइन लग गई, फिर दर्द, एक साल बाद ये 46 में शाजा आई थी, फिर एक साल बाद 47 में दर्द आई, कारदार साहब ने दर्द बनाई, और उसमें शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना, तो उनको पहले ब्रेक दिया। अब यहाँ पे शकील साहब और नौशाद साहब ने साथ में 25 साल काम किया था, और उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि कैसा काम किया, वो तो आप लोग के सामने है। लेकिन इसमें एक बात और ख़ास बात थी, टुनटुन जो बाद में कॉमेडियन बनी मोटी, जो टुनटुन थी उस वक्त वो मोटी भी थी, लेकिन उसका ही अरमान था कि वो प्लेबैक सिंगर बने। तो कारदार साहब ने नौशाद साहब से बोला कि भाई देखो ये पीछे पड़ी हुई है, हो सके तो गवा इसको। तो नौशाद साहब ने दर्द में वो गाना आज तक मकबूल है, बहुत मकबूल है, उससे गवाया। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के, तो वो गाना इतना मकबूल हुआ, अफसाना लिख रही हूँ कि आज तक लोग याद करते हैं। उससे बाद और भी गाने गवाए उसे, लेकिन उसके बाद कारदार प्रोडक्शन के बाद फिर महबूब प्रोडक्शन में नौशाद साहब ने 9 फिल्में की। पहली फिल्म जो थी अनमोल घड़ी, जिसमें नूरजहाँ जी को गवाया। अब हम ये बात बोले, नूरजहाँ जी का अब नाम आया, और फिर उसके बाद अनोखी अदा बनाई, उसमें नसीम बानो हीरोइन थी। तो हम ये बात पे आ रहे हैं कि नौशाद साहब ने
सात डिकेड या सेवन डिकेड सात दहाई काम किया और वो भी विथ फोर जनरेशन चार पुश्तों के साथ। जैसे मिसाल दे रहे हैं, नूर जहाँ जी के साथ फोटो आवाज़ देखा है, दुनिया मेरी जवा है, उसके बाद ताजमहल में उनकी ग्रैंड डॉटर हीरोइन थी वो, उनका नाम सोनिया जहाँ। इस तरह से नसीम बानो जी हीरोइन थी अनोखे अदा में और चांदनी रात में, उसके बाद सहरा बानो जी साज और आवाज में हीरोइन रही। इसी तरह से निर्मला देवी जी ने निर्मला, हम तो आंटी बोलते थे, और उनके फादर अरुण साहब वो भी हीरो हीरोइन रहे नौशाद साहब की फिल्मों में, और निर्मला देवी से भी गाना गवाया नौशाद साहब ने। और उसके बाद फिर हमने जो दो दो तीन फिल्म चार फिल्म डायरेक्ट की, एक तेरी पायल मेरे गीत में गोविंदा जी हीरो थे। इस तरह से पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में थे और दास्तान में राज कपूर साहब थे। तो दिस कैरीड ऑन यानी कि जनरेशन टू जनरेशन। तो और फिर उसके बाद उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया जैसे सिंगर महेंद्र कपूर साहब को। हाँ, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब का एक वाक्य है, जब मोहम्मद रफ़ी साहब को अगर उनके बड़े भाई नहीं होते हमीद भाई, तो उनको कोई चांस नहीं देता। बहुत फरिश्ता सिफत आदमी थे, तो छुपे रहते थे पीछे। तो जब वो उन्हीं ने तरकीब ये की, जब कारदात प्रोडक्शन में एंट्री नहीं मिली, तो मालूम क्या लखनऊ नौशाद साहब का वतन है, वहाँ गए दादा से मिले हमारे, और उनसे एक लेटर सिफारिश का रिकमेंडेशन का लेटर लेके आए, फिर वापस कारदात प्रोडक्शन में। फिर नौशाद साहब को छुट्टी थी, उस जमाने में पठान रहा करते थे, कह रहे ये चिट्ठी लाया आदमी आपका वालिद का। तो नौशाद साहब ने पढ़ा, कह लगे अच्छा भाई, उनमें लिखा था कि सुनते ही लड़का अच्छा गाता है, अगर इस लायक है तो इसे मौका दो। तो अंदर आए तो मिले, सुनाया कुछ। नौशाद साहब ने इतना कहा रफ़ी साहब से कि आपके गले में कुदरत ने नूर दिया है, आप रियाज करते रहिए, मौका मिलेगा तो आपको मैं ज़रूर चांस दूंगा। तो उस जमाने में जब शाहजहाँ बन रही थी, तो हमीद भाई ने कहा कि नौशाद साहब मेरा भाई ऐसा कब तक वो होगा। हम नौशाद साहब की बात कर रहे हैं, औरों ने हम औरों की बात नहीं, आई एम स्पीकिंग टू नौशाद साहब एंड रफ़ी साहब। तो नौशाद साहब ने एक फिल्म बननी थी पहले, आप कारदार साहब बना रहे थे, उसमें एक आज़ादी नहीं मिली थी, तो उसमें आज़ादी हिंदू यानी मुल्क को आज़ादी नहीं मिली थी, उसमें एक मार्चिंग सॉन्ग था हिंदुस्तान के हमें हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें रफ़ी साहब भी कोरस में थे और बहुत डिस्टिंग उनकी आवाज़ है। जी एम दुलानी साहब भी है और श्याम कुमार जो बाद में विलेन का काम करते थे वो भी थे। उसके बाद फिर शाहजहाँ जब बन रही थी, तो हमीद भाई ने उनका कहा नौशाद साहब मेरे भाई को एक लाइन भी से कोरस में गवा देंगे तो ज़िंदगी भर फख्र करेगा कि मैंने के एल सागल साहब जो इतने बड़े सिंगिंग स्टार उनके साथ मैंने गाना गाया। तो नौशाद साहब ने वो रूही रूही एक मोंटाज का गाना था, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, उसमें एक लाइन थी साफ रजिस्टर होती है कि मेरे सपनों की रानी एक ताजर यानी ट्रेडर रूट पे बैठ कर आ रहा है गा रहा है। तो उसके बाद फिर पहला रफ़ी साहब को जो इंडिपेंडेंट ब्रेक दिया तो वो उस पर दिया, महबूब खान की प्रोडक्शन फिल्म थी अनमोल घड़ी, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब वॉज नोन मेला फिल्म है, मेला में एक गाना था बैकग्राउंड में, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे अफसोस हम ना होंगे, इससे उनकी पॉपुलरिटी हुई। उसके बाद फिर दिल्लगी में उनसे दो गाने गवाए कि अपने वो बहुत पॉपुलर हुए, तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, और उसके बाद फिर लाइन लग गई। फिर दुलारी में सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। उसके बाद अच्छा हमें एक बात और बोले, अनोखी अदा मेला अंदाज ये तीनों फिल्मों में नौशाद साहब ने पहले मुकेश साहब को गवाया, वो भी बहुत उमदा आदमी थे जेंटलमैन थे, और मुकेश साहब को गवाया और नौशाद साहब ने अंदाज में उल्टा किया। दिलीप कुमार साहब के लिए मुकेश साहब को गवाया और राज कपूर साहब के लिए दो गाने जो थे वो रफ़ी साहब से गवाया और वो भी बहुत मकबूल हुए। तो उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी भी चलता रहा सिलसिला, फिर महबूब साहब की अमर बनी, मदर इंडिया बनी, आके आसिफ साहब ने मुगले आजम बनाया। अब के आसिफ साहब जब मुगले आजम बना रहे थे, इसमें भी एक वाक्य हुआ कि के आसिफ साहब एकदम से आ गए, कहने लगे चेन स्मोकर से, कहते हुजूर सिचुएशन आया हूँ। और नौशाद साहब ने कहा बताइए फरमाइए, कहने गए अकबर अकबर शहनशाह अकबर बैठा हुआ है, जोधाबाई महारानी बैठी हुई है, शहजादा सलीम भी मौजूद है और अनारकली रक्स कर रही है, और कुछ ऐसे बोल हो कि शहनशाह अकबर आखिर में ताश का बादशाह हो जाए। तो नौशाद साहब ने कहा कि आसिफ साहब
अपने आप को इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं? कहने क्यों, कैसा इम्तिहान? कहने आपको इतने साल बरस हो गए, मुगल आजम बनी नहीं, अनारकली बन के रिलीज भी हो गई फिल्मिस्तान की, और यही सिचुएशन है, ज़माना ये समझा के हम पी के आए, तो कहने वो हिट हो गई, तो फिर आप सिचुएशन बदल दिए। कहने वजू सिचुएशन में नहीं बदलूँगा, इम्तिहान आपका और शकील साहब है, शकील साहब का है, आप तो शुरू किए। शकील साहब को बुलाया, शकील साहब आए, जब दाखिल हुए तो सन सूरज गुरूब हो रहा था, मगरिब का टाइम था, और अंदर रूम में बैठ गए और कागज़ पे कागज़ फेंकते रहे, लिखते रहे, और जब सुबह हुई तो फिर खाना पीने का ठिकाना नहीं हुआ, तो एक बुखड़ा हाथ में आया, प्यार क्या तो डरना क्या, प्यार क्या कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या, तो नौशाद साहब ने कहा अभी पकड़ में आ गया, अब आगे बढ़े। तो शकील साहब ने कहा अरे नौशाद साहब कुछ खाना पीना तो कर लें। कहेंगे क्या का टाइम हुआ, तो जब बाहर निकले तो सूरज तुलू हो रहा था, यार सूरज निकल रहा था। तो नौशाद साहब अक्सर कहते थे कि लोग पूछते हैं कि पुराने गानों की इतनी उम्र क्यों होती है, तो वो कहते थे शायद उन गानों में ऐसी रातें शामिल हो, सर जोड़ के काम करने में लिखा जाए। उसके बाद फिर चलता रहा सिलसिला, फिर उन्हीं ने कुछ 5 साउथ की फिल्में की जिसमें साथी थी, और मुकेश साहब के बाद 18 साल के बाद फिर साथी में फिल्में कम बैक हुआ नौशाद साहब के साथ, और सब गाने मकबूल हुए, और मजरू साहब और रविंद्र कुमार साहब के साथ, और फिर सुनहरा संसार में मुकेश साहब ने गाना गाया, तांगे वाला में गाया रफी साहब दोनों ने, और ऐसा सिलसिला चलता रहा।